चुनावी राज्यों में प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना, छतरपुर और नीमच में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रीवा में करेंगी पार्टी के लिए प्रचार। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में करेंगे जनसभा। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन, 25 नवंबर को होगा मतदान। उत्तराखंड की स्थापना दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस समारोह को उन्होंने किया संबोधित, कहा देवभूमि के परिश्रमी लोगों ने स्थापित किए मानक। प्रधानमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। कैश फॉर क्वेरी मामले में होने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी बैठक में महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर रिपोर्ट को किया जा सकता है स्वीकार। दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा की गुणवत्ता बनी हुई है गंभीर श्रेणी में। दिल्ली सरकार ने बुलाई सभी मंत्रियों की बैठक। उधर वायु प्रदूषण से गाजियाबाद में भी हालत खराब। महाराष्ट्र में भी प्रदूषण पर होगी समीक्षा बैठक। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी। गाजा में पहुंची आवश्यक चिकित्सा की दूसरी खेप। गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा फ्रांस। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का आज गोवा में होगा समापन। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ होंगे समापन समारोह के मुख्य अतिथि। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में हासिल किया पहला स्थान। उत्तराखंड में आयोजित होंगे अगले राष्ट्रीय खेल। आईसीसी विश्व कप में आज के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में न्यूजीलैंड का श्रीलंका से होगा सामना। सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए न्यूजीलैंड के लिए मैच जीतना जरूरी। समाचारों में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले खबरें चुनावी राज्यों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में अलग अलग जगह जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में सतना से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद छतरपुर और फिर नीमच में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे राजस्थान, जहां पर वो उदयपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में अन्य दल भी प्रचार में जुटे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज राज्य में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रियंका गांधी सतना के चित्रकूट और रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी। राहुल गांधी अशोकनगर के नई सराय विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे, साथ ही जबलपुर में जनसभा और रोड शो भी करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह जशपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं रथ यात्रा में भी हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही पाथलगांव विधानसभा में रथ सभा में शामिल होंगे। अमित शाह कुनकुरी विधानसभा और चंद्रपुर विधानसभा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रायगढ़ विधानसभा में वे एक रोड शो करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। राज्य में विधानसभा के सभी 200 निर्वाचन क्षेत्रों में इस महीने की 25 तारीख को मतदान कराया जाएगा। उधर तेलंगाना में कल नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। 119 निर्वाचन क्षेत्रों में 30 नवंबर को मतदान होगा। कुल मतदाताओं की संख्या 5,29,00,000 से ज्यादा है, जिनमें से 22,71,000 से ज्यादा नए मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में कुल 52,139 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें 383 सहायक मतदान केंद्र हैं।
और राजस्थान में भी चुनावी पारा गर्माता जा रहा है। तमाम दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस सबके बीच राजस्थान चुनाव में कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराध एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राजस्थान चुनाव में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। भाजपा इस मुद्दे पर लगातार राज्य की अशोक गहलोत सरकार को घेरने में जुटी है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध को लेकर भाजपा हमेशा अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ मुखर रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर आज एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के साथ गारंटी के वायदे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो कभी भी पूरा नहीं किया। कौन कौन सी सात गारंटी पक्की हैं कांग्रेस के द्वारा जो इन्होंने पिछले 5 साल में किया है? क्या होता? पेपर लीक की गारंटी, नंबर 2 महिलाओं पर अत्याचार की गारंटी, नंबर 3 दलितों के उत्पीड़न की गारंटी, अपराधियों की दबंगई की गारंटी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कभी राजस्थान में इतनी खराब नहीं थी जितनी कि अब हो रही है। दंगाइयों और कट्टरपंथियों के जुलूस निकालने की गारंटी, पीएफआई की रैली कोटा में याद है ना आपको। भ्रष्टाचार और घोटालों के अंबार की गारंटी, और किताबों में मुगलों को महान लिखने की गारंटी। ये 7 गारंटियां हैं। उधर कल तक कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन की मुहिम चला रहे सचिन पायलट ने गहलोत सरकार का बचाव करते हुए कहा कि राजस्थान में हमने FIR पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, अगर कहीं महिलाओं पर अत्याचार होता है तो उस पर हम तुरंत एक्शन ले रहे हैं। राजस्थान में हम लोगों ने FIR रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया है, मतलब हम छुपा नहीं रहे किसी बात को। अगर कुछ दुर्घटना होती है या शोषण कहीं होता है, महिलाओं से अत्याचार होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन हम लोग ले रहे हैं। राजस्थान में जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है तुरंत कार्रवाई हम लोगों ने करी है। कई जगहों पे लोग छुपाते हैं आंकड़े कम दिखाने के लिए, FIR रजिस्टर नहीं होती हैं, पुलिस मामले को दबा देती है। यूपी में कई बार हमने देखा है, लेकिन राजस्थान में सच्चाई सामने आ रही है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। इस बीच राजस्थान में कानून व्यवस्था एक बार फिर तार तार हुई है। जयपुर में बीती रात एक ऐसी घटना का वीडियो सामने आया जिसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। जयपुर के मानसरोवर पुलिस थाना क्षेत्र में जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी की बस पर हमला किया गया। बस में मौजूद छात्र छात्राओं ने वीडियो बनाया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक्स पर कहा कि राजधानी जयपुर में बच्चों से भरी बस पर हमला हो गया। पिछले कुछ वर्षों में मासूमों तक को अराजकता की आंच झेलनी पड़ी, बस कुछ दिन और, राजस्थान में बुरे दिनों का अंत अब निकट है। चुनाव के बाद कमल खिलेगा और कानून का राज फिर लौटेगा। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी सुखी और सुरक्षित रहेंगे। उधर राजस्थान कांग्रेस के कुछ नेताओं के बुधवार को भाजपा में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी को डूबता हुआ जहाज बताया। हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, ये इस बात का इनको इंगित करता है, इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। और उस डूबते हुए जहाज में से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। विष्णु जी तो वैसे हमारे अपने ही थे, एक बार फिर घर वापसी उनकी हुई है। आदरणीय सुनीता जी कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी की बहुत जो है वो ताकतवर नेता पश्चिमी राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका आना निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता और ताकत में वृद्धि का सूचक तो है, हमारे लिए एक उत्साह का कारक भी है। राजस्थान में एक ही चरण में सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जैसे जैसे राज्य में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम दल मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर और पार्टी के भीतर गुटबाजी का सामना कर रही कांग्रेस के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सत्ता बचाने की है, जबकि भाजपा कांग्रेस सरकार की असफलता पर जमकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और बात करें तेलंगाना की, तो यहाँ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार शुक्रवार तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 13 तारीख को होगी। विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं समाचार। और सवाल के बदले पैसे लेने के आरोपों में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों की माने तो लोकसभा की एथिक्स कमेटी की आज की जो बैठक होने वाली है उसमें महुआ की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश को लेकर के रिपोर्ट को स्वीकार किया जा सकता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे और तोहफे लिए। इस मामले को स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को भेज दिया। महुआ मोइत्रा इस मामले में 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश भी हुई थी। उन्होंने पहले इन आरोपों को बिल्कुल गलत बताया था, लेकिन जब हीरानंदानी ने अपना कबूलनामा किया तो उसके बाद महुआ ने भी मान लिया कि उन्होंने अपने अकाउंट्स का लॉगिन पासवर्ड हीरानंदानी को शेयर किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली से पहले पूर्व सैन्य कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। रक्षा मंत्री ने मंत्रालय को वन रैंक वन पेंशन स्कीम के तहत भुगतान की तीसरी किश्त जारी करने का निर्देश दिया है। इन कर्मियों को स्पर्श प्रणाली के जरिए भुगतान किया जाएगा। उत्तराखंड आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के देश का 27वां राज्य बना था। राज्य के स्थापना दिवस को लेकर के अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस समारोह का जो मुख्य कार्यक्रम है वो देहरादून में पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देवभूमि के परिश्रमी लोगों ने कई मानक स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्धि में देवभूमि उत्तराखंड का अमूल्य योगदान है। प्राकृतिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस प्रदेश के मेरे सभी परिवारजन अत्यंत परिश्रमी होने के साथ साथ बेहद पराक्रमी भी हैं। आज राज्य के स्थापना दिवस पर उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर अपने शुभकामना संदेश में एक्स पर लिखा, प्राकृतिक सौंदर्य और अध्यात्म की पावन धारा उत्तराखंड के स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री पुष्कर सिंह धामा की सरकार देवभूमि उत्तराखंड की प्रगति और जनता के कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मैं प्रदेश की निरंतर खुशहाली की कामना करता हूँ। और उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य के वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप सभी समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों और पृथक राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की अयोध्या राज्य की कैबिनेट की आज पहली बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। वहां पर श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी वे पूजा अर्चना करेंगे।
और सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट की निगरानी का जिम्मा सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट को सौंप दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया कि वो स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की प्रगति पर नजर रखने के लिए स्पेशल बेंचेस का गठन करें। ये बेंच नियमित अंतराल पर सुनवाई करके ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट तलब करे। हाई कोर्ट अपनी वेबसाइट पर केस दायर होने की तारीख और पेंडिंग केस को लेकर के ब्यौरा डाले। दोषी करार दिए जाने वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अलग से सुनवाई करेगा। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में आज भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 432, आरकेपुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में AQI 441 दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 18 नवंबर तक सभी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इस वजह से देखिए आंखों में भी, इवन नोज से एंटर कर रहा है ना तो चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है। हमारे कुछ मतलब टीम के मेंबर वो भी बीमार हो गए हैं। पॉल्यूशन की वजह से धुंधला दिखाई दे रहा, कुछ ज्यादा दिखाई नहीं हो रहा, उसके वजह से हमको आंखों में जलन और जैसे कि हार्ट में प्रॉब्लम भी हो जाएगी इससे, जिसे सांस लेने में अब अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे हम। और जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो पोल्यूशन के वजह से तो वो लोग और निकल नहीं पा रहे, घर पर ही है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, अभी तक तो धूप बाहर निकल जानी चाहिए थी, धूप तो टच ही नहीं करती है ग्राउंड को, इट्स नॉट हेल्दी। लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं बट आई थिंक इट इज डूइंग मोर हार्म। और दिल्ली NCR इन दिनों वायु प्रदूषण की चपेट में है। वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए RML अस्पताल में विशेष OPD की शुरुआत की गई है। हफ्ते में एक दिन चलने वाले इस OPD में 5 विभाग के डॉक्टर्स बैठेंगे। ये OPD हर सोमवार को 2 बजे से 4 बजे के बीच चलाई जाएगी। विशेष OPD के मामले पर RML के MS डॉक्टर अजय शुक्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन के वजह से बहुत सारी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं देखने को आ रही हैं और इन समस्याओं से निपटने के लिए RML अस्पताल में एक अलग से विशेष OPD चलाया जा रहा है। हालांकि अभी शुरुआत में हफ्ते में एक दिन चलेगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय शुक्ला सर हैं। डॉक्टर शुक्ला, क्या OPD ज़रूरत क्यों पड़ी OPD की अलग से? ऐसा है कि पोल्यूशन जो है ना, एक तो अराउंड दिवाली पीक करता है हर साल, तो इस सीज़न में काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं पोल्यूशन से रिलेटेड। दूसरा क्या है कि पोल्यूशन जो है ना केवल एक हिस्से को नहीं शरीर के अफेक्ट करता है, केवल आपके लंग्स नहीं अफेक्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो कंटैक्ट में आती हैं पोल्यूटेंट्स के वो सारी अफेक्ट होती हैं। तो लंग्स हो गया, आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, कान नाक गले ये एरियाज, आँखें, आपकी स्किन जो त्वचा है, आपका दिमाग, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं पोल्यूटेंट से। तो इस वजह से हमने सोचा कि एक वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो है OPD होनी चाहिए, जिसमें ये सारे अलग अलग जगहों के प्रॉब्लम्स जो हैं पोल्यूशन की वजह से एक ही जगह देखें। ये OPD कब शुरू होगा, कितने देर तक चलेगा और कैसे लोग रजिस्ट्रेशन कराएं? तो ये OPD अभी तो हमने मंडे रखी है एंड 1 से 2 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और 2 से 4 के बीच में डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है पोल्यूशन से रिलेटेड तो निश्चित तौर पे आपके लिए विशेष क्लिनिक खुला हुआ है RML अस्पताल में। मंडे को भी सप्ताह में एक दिन 2 से 4 के बीच आप आकर के दिखा सकते हैं। 5 विभाग के डॉक्टर बैठेंगे और जो भी आपकी समस्या है उसका वो निदान करेंगे। कैमरामैन योगेश के साथ नितिन सिंह, DD News दिल्ली। अब पंजाब में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पराली जलने से राज्य में प्रदूषण का स्तर गंभीर होता जा रहा है। कई इलाकों में आज सुबह धुएं की चादर देखने को मिली। विशेषज्ञों ने कहा कि अत्यधिक प्रदूषित हवा स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। पिछले दिनों में खराब और मध्यम रहने के बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक अब बहुत खराब श्रेणी में चली गई है। बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
और तमिलनाडु में बारिश का कहर लगातार जारी है। थूथुकुड़ी से भारी बारिश की खबरें आईं, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। सबसे ज़्यादा तिरुवन्नामलाई और इरोड में स्थिति खराब है। मौसम विभाग ने कल तमिलनाडु में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई थी। आज भी शहर के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कैथोहलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन TRF से जुड़ा एक आतंकवादी ढेर कर दिया। प्रॉपर्टी बाजार में इस त्योहारी सीजन में जबरदस्त बहार आने वाली है। CBRI की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस फेस्टिवल सीजन में 1.5 लाख प्रॉपर्टीज बिकने की उम्मीद है। बीते साल के मुकाबले अब तक इस साल के पहले 9 महीनों में प्रॉपर्टी की बिक्री में 97% का उछाल दर्ज किया गया, करीब करीब 2 गुना। 4 करोड़ से ज़्यादा कीमत वाले लग्जरी घरों की बिक्री 4,700 यूनिट जो पिछले साल थी, इस साल बढ़ करके 9,200 यूनिट्स पर पहुँच गई। दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में सबसे ज़्यादा तेज़ी दर्ज की गई है। CBRI के 7 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार के एनालिसिस के दौरान ये आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा 37% की बढ़ोतरी हुई है। एजेंसी को लगता है कि इस त्योहारी सीजन में पहली बार घर खरीदने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होगा। सितंबर महीने तक 2,30,000 से ज़्यादा घरों की बिक्री की जा चुकी है। अमेरिका स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अपने आउटलुक 2024 में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर का अनुमान 6% पर बरकरार रखा है। एजेंसी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत ग्रोथ का है और उम्मीद है कि यह गति आगे भी जारी रहेगी। रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए विकास दर 6.9% रहने की उम्मीद जताई है। S&P के मुताबिक धीरे धीरे पूंजी का बढ़ना, अनुकूल जनसांख्यिकी और उत्पादकता में सुधार ऐसे आवश्यक कारक हैं जिसकी वजह से विकास दर को बढ़त मिली है। विकास में जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र करते हुए S&P ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विकास के अगले चरण में श्रम बल की भागीदारी, जलवायु में लचीलापन और कारोबारी माहौल में और सुधार की आवश्यकता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर उद्योग में मजबूत विकास के प्रदर्शन पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर का प्रभाव समय के साथ बढ़ा है, जबकि खेतीबाड़ी और दूसरे प्राथमिक उद्योगों में आर्थिक हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है। भारत और अमेरिका के बीच अगले 48 घंटे में होने वाली 2+2 वार्ता पर पूरी दुनिया की नज़रें रहेंगी। दोनों देशों ने कई मौक़ों पर द्विपक्षीय और वैश्विक चिंताओं और हिंद प्रशांत में जारी गतिविधियों पर अपना साझा दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा है। 2+2 की ये बातचीत 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली में होनी है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री S. जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन हिस्सा लेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए 10 नवंबर को भारत का दौरा करेंगे। भारत और अमेरिका समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का जायजा लेंगे और बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग को बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यह वार्ता अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल के बीच हो रही है, जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इजराइल हमास के बीच का संघर्ष भी जारी है। अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा रक्षा के क्षेत्र में को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की संभावना है। उसके साथ ही अगले वर्ष भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ब्लिंकन अपनी तेल अवीव, जॉर्डन, टोक्यो और सियोल की यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. S. जयशंकर का भी अपने अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल अमेरिका यात्रा के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। दोनों ही नेताओं के बीच जो बातचीत का दौर रहा है वो लगातार जारी रहा है, और ऐसे में जब दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होगी तो US-India पार्टनरशिप का जो फ्यूचरिस्टिक विजन रखा गया है उस पर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा सकती है। पिछले साल 4थी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता Washington DC में हुई थी, जहां वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई थी।
इससे पहले एंटनी ब्लिंकन इस साल G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी 2 महीने पहले G20 शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में मौजूद थे। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और अमेरिका के रक्षा विभाग के तहत इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स ने नई दिल्ली में 2+2 इंडो यूएस डायलॉग के प्रीकर्सर के रूप में एक पहली इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया। अमेरिकी मंत्री स्तरीय वार्ता कार्यक्रम के दौरान इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल लॉन्च किया गया। डॉगबैक निदेशक डिफेंस इनोवेशन यूनिट DIU यूएस DOD ने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और श्री विवेक विरमानी जो कि CEO हैं आईडेक्स के और DIO ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस आयोजन का समन्वय यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF इंडस्टेक द्वारा किया गया था। पर्वतारोही अनुराग मालू को एम्स ने जिस तरह से नया जीवन दिया है वो किसी चमत्कार से कम नहीं। दरअसल अनुराग मालू नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा के मिशन पर गए थे। कैंपिंग के दौरान वो हादसे का शिकार होकर के अचानक लापता हो गए। इसके बाद कैसे अनुराग की तलाशी हुई और किस तरह से उनकी जान बचाई गई, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर को भगवान क्यों कहा जाता है ये साबित कर दिखाया एम्स के डॉक्टरों ने, जिन्होंने पर्वतारोही अनुराग मालू को नया जीवन दिया। पर्वतारोही अनुराग मालू का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर और बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ICU में किया गया। 34 साल के अनुराग मालू 17 अप्रैल को अपने अन्य पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी, बलजीत कौर और आयरलैंड के पर्वतारोही नॉयल हन्ना के साथ दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई के दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में अर्जुन वाजपेयी, बलजीत कौर को रेस्क्यू कर लिया गया जबकि आयरलैंड के पर्वतारोही नॉयल की मौत हो गई, लेकिन अनुराग का कुछ पता नहीं चला। अनुराग के लापता होने के 3 दिन बाद पोलैंड के पर्वतारोही एडम ब्लैंक ने उन्हें बर्फीली खाई से बाहर निकाला। इसके बाद उनको नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका 20 दिन तक इलाज चला और उसके बाद उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स ट्रॉमा सेंटर के लिए एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया, जहां फिर दुनिया ने देखा डॉक्टरों का एक और चमत्कार। डॉक्टर्स किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाते हैं और किस तरीके से एक मॉरल बूस्टअप करते हैं पेशेंट का, किस तरीके से सारे डिसीजंस आप लोगों ने लिए। हम लोगों ने तो शुरू के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं और ये सारे देवता लोग। जिंदगी और मौत के इस संघर्ष में एम्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने उन्हें नई जिंदगी दी। काल के कपाल पर जिंदगी की उम्मीद जीत गई। अब अनुराग मालू को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। हमारी क्रिटिकल केयर टीम में डॉक्टर कपिल हैं, उनकी लीडरशिप में जो है इनको पूरा लाइफ सपोर्ट दिया। इनकी किडनी की हालत ख़राब थी, किडनी में इनकी मेजर डैमेज थी, इनके लंग की हालत ख़राब थी, इनको वेंस में थ्रोम्बोसिस थे, इनको फ्रॉस्ट बाइट थी, मल्टीपल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था और इनके जो पैरामीटर्स थे उनकी वजह से इनके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट सब गड़बड़ शुरू हो गए थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो हमको बहुत ही टफ डिसीजन था, बीच में हमने इनको ऑपरेट इनको हमने बड़ी मुश्किल से हाई रिस्क में इनको हमने ऑपरेट किया, इन्फेक्शन कम किया। जब बेसिक इनका लाइफ से इनको ऊपर लाए तो फिर आगे की हमने 6 सर्जरी इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए किया हमने। अनुराग मालू का 6 महीने तक अस्पताल में इलाज चला। अनुराग ने उनको नया जीवन देने वाले सभी डॉक्टरों और नर्स का शुक्रिया अदा किया। माउंटेनियरिंग से मैं वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी है, तो चाहे वो 6,000 हो, चाहे वो 7,000 मीटर क्लाइम किया हो मैंने, चाहे वो 8,000 हो, तो मेरे लिए अन्नपूर्णा सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए था क्योंकि वो सबसे डेंजरस माउंटेन था और मैं उसको सबमिट करना चाहता था कि पहले वो करूँगा तो शायद मैं सारे माउंटेन्स कर पाऊँगा। अनुराग मालू को अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं, लेकिन मालू मानते हैं कि अगर उनका शरीर उनका साथ देगा तो फिर से वो पर्वतारोहण करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और इसी हौसले के दम पर आज अनुराग हमारे बीच में मौजूद हैं, जो एक माउंटेनियर हैं और एक्सपीडिशन करने के लगातार चढ़ाइयां करते रहते हैं, लेकिन 8,000 की ऊंचाई अन्नपूर्णा इनके लिए कहीं ना कहीं भाग्यशाली नहीं रही क्योंकि वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इनका किस्मत इतनी बुलंद थी कि उस पहाड़ी के दौरान जो हादसा हुआ उसके बाद एम्स ने चमत्कार किया और आज ये सभी के बीच में है। मेरे सहयोगी नितेंद्र के और कैमरा नवीन के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। बिहार के किशनगंज की 12 साल की नाजमीन के दिल में छेद था, इसकी वजह से उसका सामान्य जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया था।
पिता ने किशनगंज के अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टर ने तुरंत सर्जरी की जरूरत बताई और खर्च बताया 3 से 4 लाख रुपए। पिता गरीब थे, इतनी बड़ी रकम जुटाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उनका सहारा बना आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के जरिए नाजमीन का एम्स में सर्जरी की गई और इलाज बिल्कुल मुफ्त में हुआ। नाजमीन कैसे पूरी तरह से ठीक हुई है, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। नाजमीन और उनके पिता मोहम्मद इदरीश के चेहरे की खुशी बता रही है कि अब सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। दरअसल बिहार के किशनगंज की रहने वाली 12 साल की नाजमीन के दिल में छेद था। पिता ने किशनगंज में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी और खर्च बताया 3 से 4 लाख रुपया। सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा चलाने वाले मोहम्मद इदरीश के लिए इतना पैसा जुटाना मुश्किल था। महीने के 10 से 12 हजार कमाने वाले इदरीश को बेटी का इलाज कराना असंभव सा लग रहा था, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी और किसी के सलाह पर दिल्ली एम्स में इलाज के लिए बेटी को ले आए। पिता इदरीश ने एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में नाजमीन को दिखाया। सभी जांच पड़ताल के बाद एम्स के डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी। पैसे को लेकर जब उन्होंने असमर्थता जताई तो उनसे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा गया। इदरीश ने एम्स को बताया कि उसके पास आयुष्मान कार्ड है। उसके बाद नाजमीन का एम्स में आयुष्मान कार्ड के जरिए सर्जरी हुई और वो भी मुफ्त में। डॉक्टर हमको बताया कि यहाँ 2.5-3 लाख रुपए खर्चा पड़ेगा, तो उतना पैसा हम लोगों के पास था नहीं, हम परेशानी में पड़ गए। इमरजेंसी में इतना इलाज कहाँ करा, वहाँ का डॉक्टर डरा दिया था हमको, 1 हफ्ते के अंदर कर लिए नहीं तो बच्चा तुम्हारा बिगड़ सकता है। तो किसी आदमी ने बताया कि आप जाइए एम्स, आप वहाँ इलाज हो जाएगा, वहाँ डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर है। तो हम किसी के जरिए से हम आ गए यहाँ पे, यहाँ आए एम्स में, तो उसके कार्ड उड बनाए हम। कार्ड उड बनाने के बाद डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर से यहाँ पूछे कि सर यहाँ खर्चा कितना पड़ेगा, तो डॉक्टर हमको बताया कि यहाँ 60,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, और आयुष्मान अगर कार्ड है आपके पास तो 60,000 आपको पैसे उसे जमा नहीं करने पड़ा नहीं पड़ेगा। तो हमने वो आयुष्मान कार्ड जो दिखाए हैं आयुष्मान वाले को, तो आयुष्मान वाले सक्सेस करिए कि नहीं हो जाएगा तुम्हारा इलाज। फिर आयुष्मान कार्ड से हमारा इलाज हो चुका है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी की तरफ से हमारा धन्यवाद है, उसकी वजह से हमारे बच्चे का इलाज हो चुका है। मैं एम्स में थी, पापा ने मोदी जी का पोस्टर दिखाया और बोला कि ये सबको सूरी देगी जो भी पेशेंट है यहाँ पर। तो मैंने बोला कि मोदी जी तो नहीं पैसे दे रहे कि शायद दूसरे तो दे रही है, मोदी जी का पोस्टर छपी है। पापा ने बोला नहीं, मोदी जी ही दे रही है। जब से आयुष्मान भारत योजना आई है तब से एम्स में 40% मरीज आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा रहे हैं। आमतौर पर एम्स में इस बीमारी के इलाज में 40 से 60 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन आयुष्मान भारत के लाभार्थी का मुफ्त में इलाज हो जाता है। अगर हम 5 साल पहले से कंपेयर करें, जब आयुष्मान योजना नहीं थी तब भी हार्ट में होल के पेशेंट्स आते थे, अभी भी आते हैं, और दो तरह के हार्ट में होल होते हैं। एक का ऑपरेशन में लगभग एस्टिमेट 46,000 रुपीज़ होता है ASD के लिए, और दूसरी तरह की बीमारी जो VHD थी उसका एस्टिमेट होता है 60,000 रुपीज़। बट अभी हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा कि जब से आयुष्मान योजना शुरू हुई है तब से काफ़ी सारे पेशेंट्स धीरे धीरे प्रोपोर्शन भी बढ़ रहा है, तो कम से कम अभी 40% ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो आयुष्मान योजना का फ़ायदा लेते हुए आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना से अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग मुफ्त में इलाज करा चुके हैं। ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, और आज इस योजना के जरिए ही गरीब आदमी भी बड़े अस्पतालों में मुफ्त में इलाज करा पा रहे हैं, जहां अमीर लोग इलाज कराते हैं। नाजमीन अकेली नहीं है जिनको आयुष्मान भारत कार्ड योजना से लाभ मिला, इनके जैसे लाखों बच्चे हैं जिनका इलाज आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए हुआ, और अब तक 5 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए इलाज ले चुके हैं। और गरीब अब बड़े अस्पतालों में जहां अमीर लोगों का इलाज होता है, साथ ही साथ उनका भी अब इलाज मुमकिन हो सका है, और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। कैमरामैन नवीन के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, राजनगर, गाजियाबाद। और अब सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के सतना, जहां पर प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बनावटें पैदा की, अभी 2014 में ही तो मध्य प्रदेश को डबल इंजन की डबल ताकत मिली है। MP को
जिस अंधेरे कुएं में कांग्रेस ने धकेल दिया था, उस अंधेरे कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल पाई है। अब तेज विकास का समय आया है, सबके विकास का समय आया है। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, नौजवान, किसान, हर किसी को अब उसका हक मिलेगा। मेरे परिवारजनों, गरीब की बहुत बड़ी चिंता होती है कि उसके पास अपना पक्का घर कब होगा, होती है कि नहीं होता है। जिंदगी में जिसके पास कोई अता पता नहीं है, उसको एक पता चाहिए, उसे अपना एक घर चाहिए। वो अपने पक्के घर के लिए पाई पाई जोड़ने की कोशिश करता था, पैसे बचाने की कोशिश करता था, लेकिन कांग्रेस के राज में चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार था कि गरीब के पक्के घर का सपना चकनाचूर हो जाता था। भाजपा सरकार ने देश के गरीब के इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को हमने पक्का घर दिया है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, कितने गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं? कितने? कितने? ये 4 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। दुनिया के लोग जब मेरे से सुनते हैं ना, तो अचरज हो जाता, 4 करोड़ घर? कई देशों की तो इतनी आबादी नहीं होती है जितने हमने घर बना दिए हैं। और साथियों, हम तो भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, और इसलिए जब भव्य राम मंदिर बनाते हैं तो वो भी उसी भक्ति से, और 4 करोड़ गरीब के घर बनाते हैं वो भी उसी भक्ति से बनाते हैं। हम लोकतंत्र का भव्य मंदिर, नया संसद भवन बनाते हैं तो हम 30,000 पंचायतों के भवन भी उसी संविधान की संश्रद्धा के साथ बनाते हैं। और मुझे खुशी है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार होने के कारण एमपी उन राज्यों में से एक है जहां गरीबों के लिए लाखों घर बनाए गए। यहां सतना में भी हजारों गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है, 1,32,000। देखिए, हमारा गणेश जी कह रहा है, और गणेश जी के मुंह से जो निकलता था ना, उसका बड़ा सामर्थ्य होता है। और जिनको अभी अपना घर नहीं मिला है, मैं आपको गारंटी देने आया हूं, जिनको अभी घर नहीं मिला है, ये मोदी की गारंटी है, उनका घर भी बनेगा, उनको भी घर मिलेगा। आप सब लोग निश्चिंत रहिएगा, मोदी ने आपके पक्के घर के लिए पहले ही पैसे का इंतजाम करके रखा है। जैसे ही 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार लौटेगी, पीएम आवास योजना का काम और तेज कर दिया जाएगा, हर गरीब परिवार को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारी नहीं, जब मोदी घर देता है ना, तो सारे सपनों को पूरा करने का आशियाना भी देता है। सिर्फ 4 दीवारें नहीं, बल्कि उसमें बिजली भी है,
गैस कनेक्शन भी है, टॉयलेट भी है, नल भी और नल में जल भी है। साथियों, पक्के घर के साथ साथ मुफ्त राशन का भी पक्का इंतजाम, ये भी मोदी की गारंटी है। कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां कभी चूल्हा बुझेगा। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने वाली योजना हमने शुरू की थी। अब मोदी ने निश्चय किया है, आपको मालूम है कितना बड़ा संकट था, मौत मंडरा रहा था, हर लोगों को लगता था कहीं घर में कोरोना घुस गया तो गए काम से, बाहर निकलना मुश्किल था। और तब मोदी ने तय किया था, मैं इस देश के किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, गरीब का घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, कोई मेरे बेटे बेटी रात को भूखे सो न जाए, ये रात भर मां तड़पती न रहे, ये मोदी ने पक्का किया था और इसलिए मुफ्त राशन देना शुरू किया था। और ये मुफ्त राशन की योजना ये दिसंबर महीने में एक महीने के बाद पूरी हो रही है। तो लोगों ने मुझे सुझाव दिया कि मोदी जी इस पर कुछ सोचना चाहिए, दिसंबर में इसको पूरा नहीं होने देना चाहिए, ये गरीबों के कल्याण का काम है, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरे लिए तो जनता जनार्दन का आदर्श, यही तो ईश्वर का आदेश होता है। दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे दीपों का बाजार भी गुलजार होने लगा है। स्थानीय बाजार में लोकल फॉर वोकल को देखते हुए कटिहार में लोग स्थानीय कलाकारों के सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं वोकल फॉर लोकल की ये खास रिपोर्ट। देश में दिवाली मनाने की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने स्थानीय उत्पादों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए सोमवार को एक वीडियो जारी किया और कहा कि वोकल फॉर लोकल आंदोलन देश भर में गति पकड़ रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में प्रधानमंत्री ने लोगों से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि त्योहारों के दौरान उनकी प्राथमिकता वोकल फॉर लोकल होनी चाहिए। साथियों, हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय UPI डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। कोरोना से पहले लोग सिर्फ धार्मिक मान्यता को मानते हुए अपने घरों में 5, 11 या 21 दीपक जलाया करते थे, लेकिन पीएम के वोकल फॉर लोकल का असर अब बाजारों पर भी दिखने लगा है। खरीदार 10 से 12 दर्जन दिए खरीद कर ले जा रहे हैं। दिए खरीद कर रहे लोगों का कहना है कि मिट्टी के दिए की खरीद से असली दिवाली कुंभकारों के घर मनेगी, साथ ही हमारा घर भी दियों की रोशनी से जगमग हो जाएगा। देखिए, लोगों को इसमें चाहिए भी कि अब वो समय चला गया हम लोगों का जब हम चाइना का सामान का खुलकर प्रयोग करते थे। आज के दिन में हम लोगों को ये दिया हम लोग आज देखिए लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ दिया। इससे देखिए कितना फायदा है कि ये भी तो आखिर 2 पैसा कमाते हैं इससे, इनके घर भी तो आखिर दीपावली में दीप जलेगा। तो सबके लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, तो ये एक अच्छी पहल है। दिवाली का त्यौहार आते ही कटिहार में कुम्हारों के चाक तेजी से चलने लगे हैं। रोज कुम्हारों का परिवार दिन रात एक करके दिए और खिलौनों के साथ ही मूर्तियां बनाने में लगा हुआ है। स्थानीय कुम्हारों का कहना है कि बाजार में दियों की डिमांड बढ़ गई है, इसलिए वो 24 घंटे दिए बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कुम्हार पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के सौजन्य से इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराया गया है, जिससे वो पहले के मुकाबले तेजी से दिए, कलश और खिलौनों का निर्माण कर पा रहे हैं।
फायदेमंद तो बहुत ज़्यादा हुआ ये बिजली का चाक, केंद्र सरकार के द्वारा जो हम लोगों को मिला है ये इलेक्ट्रिक चाक, तो हम मजदूरों कुम्हार लोगों के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत बढ़िया है। क्या डिमांड है मार्केट में? मार्केट में चल रहा है, डिमांड है दिया का, डिमांड कितना बना लेते हैं दिन भर में दिया, कितना आप लोग बना लेते हैं? 500-600 बना लेते हैं। रविवार को पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, ऐसे में इस बार पिछले साल के मुकाबले हस्त निर्मित दिए, मूर्तियों और खिलौनों की बिक्री में 40% का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। तो आइए दीपावली पर मिट्टी के दीयों का उपयोग करके वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दें, इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं पर्यावरण में भी सुधार आएगा। कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। तो धीरे धीरे सही ये वोकल फॉर लोकल एक नया मूवमेंट जरूर बनता जा रहा है। देश में महिलाओं को जल संयंत्रों, जलापूर्ति के प्रति जागरूक करने वाले उद्देश्य के साथ जल दिवाली का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जल दिवाली का आयोजन किया गया, आपको दिखाते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। देश में महिलाओं को जल संयंत्रों, जलापूर्ति के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जल दिवाली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में अल्मोड़ा नगर पालिका के शहरी आवास एवं आजीविका मिशन तथा अमृत परियोजना के संयुक्त प्रयास से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विकासखंड हवालबाग के मटेला पेयजल पंप हाउस में जल संस्थान के अधिकारियों और टेक्निकल स्टाफ द्वारा पेयजल संयंत्रों के संचालन की जानकारी दी गई। इसके अलावा पेयजल टेस्टिंग, पेयजल उपचार संयंत्रों की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर समूह की महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर पेयजल आपूर्ति संयंत्र मटेला से जल लेकर कलश यात्रा भी निकाली। जल दिवाली कैंपेन चलाए भारत सरकार के द्वारा से, उसमें जो हमारी SHG की महिलाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घुमाया जा रहा है, वहाँ कैसे उस फिल्टर होता है पानी और उसमें क्या टेस्टिंग होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिवस के अवसर पर ये योजना शुरू की गई थी, जो जल दिवाली वाटर फॉर विमेन, विमेन फॉर वाटर के नाम से संचालित की जा रही है। यहाँ पर महिलाओं को पानी का उपयोग कैसे करना है, पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। महिलाएं भी जानकारी मिलने के बाद बेहद खुश नजर आईं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कैसे हम जल को बचा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जल की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इसको नाम दिया है जल दिवाली और वाटर फॉर वीमेन और वीमेन फॉर वाटर इसका नाम दिया गया है। आज यहाँ हमें वाटर प्लांट दिखाने के लिए लाया गया है कि कैसे हम इस वाटर को, जो कोसी नदी का पानी है या अन्य नदियों का पानी है, वो सब एक जगह पर इकट्ठा होकर कैसे वहाँ पर इसको फिल्टर किया जाता है, कैसे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और कैसे ये पीने योग्य बनाया जाता है, यहाँ हमें दिखाया गया है। हमें लैब में भी ले जाया गया, वहाँ पर हमने देखा कि पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है और उन्होंने हमें ये बताया वहाँ पर कि RO का पानी उतना शुद्ध नहीं होता है, जिसमें मिनरल्स सब खत्म हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमें मतलब जो ज़रूरत है। और हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हमें कैंडल वाला जो फिल्टर होता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 7 नवंबर से 9 नवंबर तक जल दिवाली का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम अमृत और NULM योजनाओं का एक संयुक्त प्रयास है। आयोजन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संयंत्रों के संचालन को समझने के लिए देश भर में चुने गए 500 से अधिक जल उपचार संयंत्रों का दौरा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। दिवाली के साथ जल दिवाली का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में देश के लिए शहीद होने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मान देने की बात कही थी। इसी कड़ी में पेश है तेलंगाना के वीर रामजी गोंड की ये कहानी। 1857 में जब देश में सिपाही विद्रोह हुआ था, तब तेलंगाना के आदिलाबाद में आदिवासी क्षेत्रों पर रामजी गोंड का शासन हुआ करता था। रामजी गोंड के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हैदराबाद राज्य के तत्कालीन शासकों निजाम और ब्रिटिश रेजिडेंट के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। रामजी गोंड ने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला अभियान चलाया। ब्रिटिश सामंत गोंड साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन रामजी की सेना ने ब्रिटिश सेना को हराकर अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसके बाद ब्रिटिश सैनिकों ने अवैध रूप से गोंड साम्राज्य में प्रवेश करके सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया।
रामजी गोंड ने इन सैनिकों को मार डाला। ब्रिटिश सरकार ने रामजी गोंड को अपने अधीन करने के लिए कर्नल रॉबर्ट को नियुक्त किया था। 9 अप्रैल 1860 को कर्नल रॉबर्ट को सूचना मिली कि रामजी गोंड आदिलाबाद के निर्मल गांव में हैं। उन्होंने रामजी पर हमला किया और 1000 सैनिकों के साथ उन्हें पकड़ लिया। 9 अप्रैल 1860 को ही रामजी गोंड और उनके साथियों को निर्मल गांव में एक बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। आज भी उस पेड़ को स्थानीय लोग हजार फांसी वाला वट वृक्ष के नाम से जानते हैं। इस वट वृक्ष पर फांसी के फंदे से झूलकर शहीद हुए रामजी गोंड के बलिदान को देश सदा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज आयोजित हो रहा है। ये समारोह गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे। ये पहला मौका है जब गोवा में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं पिछले राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पर रही सर्विसेज की टीम्स को इस बार दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। अगले राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। समापन समारोह में खेलों की मशाल उत्तराखंड को सौंप दी जाएगी। आईसीसी वनडे विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका से होगा। दोनों टीमें इस मुकाबले के लिए बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी के मैदान पर उतरेंगी। सेमीफाइनल्स की रेस में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। वहीं श्रीलंकाई टीम की कोशिश होगी कि वो अपने आखिरी लीग मैच में जीत के साथ विश्व कप 2023 के अभियान को समाप्त करें। श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर है। फ्लैट पिच होने की वजह से गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। ऐसे में अगर कोई टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनती है तो वो चाहेगी कि कम से कम 350 से ज़्यादा का स्कोर किया जाए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछला मुकाबला भी बेंगलुरु में खेला था और 401 रन बनाए थे। हमारे देश में ऐसे बहुत से सामान्य नागरिक हैं जो अपने दृढ़ विश्वास और कार्यों की वजह से समाज को रोशन कर रहे हैं, जिन्हें पद्म पुरस्कारों के माध्यम से देश एक नई पहचान दे रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं हरियाणा के ओम प्रकाश गांधी के बारे में, जिन्होंने अपना पूरा जीवन नारी शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। ये दशकों से महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति प्रयासरत हैं। आप भी देखिए ये खास रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आप स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में? थर्ड में। और आप कौन सी क्लास में हो? फिफ्थ। और आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। आप सबको स्कूल जाना पसंद है? यस। मजा आता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लड़का हो या लड़की, दोनों को ही है शिक्षा का समान अधिकार। लेकिन हमारे देश में अभी भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता, और बहुत जरूरी है कि ऐसे इलाकों में ऐसे लोगों की सोच को बदला जाए। यही बीड़ा उठाया ओम प्रकाश गांधी ने। 80 के दशक में अपने विद्यार्थी काल के दौरान उन्होंने महसूस किया कि जो उनका इलाका है यमुनानगर या हरियाणा के कई ऐसी जगहें हैं जो महिला के शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। ऐसे में उन्होंने एक नई मुहिम छेड़ी, गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक किया, राशि इकट्ठा की और 1985 में उन्होंने एक कन्या गुरुकुल की स्थापना की जो आज एक डिग्री कॉलेज में तब्दील हो चुका है। आज उस इलाके की लगभग सभी लड़कियां, सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, सफलता की नई इबारत लिख रही हैं, और इसका श्रेय जाता है ओम प्रकाश गांधी को, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने असाधारण संकल्प से समाज को एक नई दिशा दी। एक व्यक्ति की सोच, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे पूरे समाज के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है, इसकी जीती जागती मिसाल है हरियाणा के यमुनानगर में रहने वाले ओम प्रकाश गांधी, जिन्हें गांधी नाम उनकी निस्वार्थ सेवा भाव के लिए दिया गया। उन्होंने नारी शिक्षा की अलख ऐसे समय में जगाई जब उनके आसपास इस बारे में कोई सोचता तक नहीं था। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान उनकी ओर से समाज को दी गई अनमोल भेंट है जिसने बेटियों के जीवन की दिशा ही बदल दी। आज इस संस्थान की लड़कियां सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार के प्रति ओम प्रकाश इतने प्रतिबद्ध थे कि वे आजीवन अविवाहित रहे। ओम प्रकाश का जन्म यूं तो हरियाणा के यमुनानगर जिले के माधोपंस गांव में एक किसान परिवार में हुआ, लेकिन छोटे किसान होते हुए भी उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा दिलाई। उत्तर प्रदेश के कृषि कॉलेज में बतौर भौतिकी प्रोफेसर 20 साल तक काम किया।
1983 में नौकरी से त्याग पत्र देकर समाज सेवा का संकल्प ले लिया। संसाधन नहीं थे किंतु दृढ़ निश्चय कर चुके ओम प्रकाश रुके नहीं, लगातार अलग अलग स्थानों की यात्राएं कर चंदा एकत्रित किया। मुझे यह आभास हुआ कि लड़कियों का पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ज़्यादा मुझे अपनी माँ से प्रेरणा मिली, मेरी माँ केवल 5वीं पास थी। हम 4 भाई सरकारी नौकरी में आ गए, 1 क्लास और 2 क्लास। तो मुझे ये लगा भाई जब इतनी मेरी माँ के सिर्फ 5वीं पढ़ने से इतना क्रांति हो सका है तो इनको लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तब लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, मैं नौकरी छोड़ कर आ गया इस खतरे के क्षेत्र में। यहाँ फिर ये भूमि मिल गई, 1987 में यहाँ क्लास शुरू कर दी और 1990 में यहाँ छात्रावास शुरू कर दिया। तो आज परमात्मा की कृपा हुई और महर्षि दयानंद जिनको अपना आदर्श मानता हूँ उनकी प्रेरणा से ये संस्था स्थापित की है। उनके जो सपने थे लड़कियों को पढ़ाने के, स्त्री शिक्षा के, वो जितना भी मैं कर सका उसमें मैंने काम किया है। तो ऐसे शिक्षा के बिना और कोई बात नहीं है जिससे कि अपना देश या समाज तरक्की करेगा, वो शिक्षा के बिना तरक्की नहीं हो सकती। और शिक्षा में भी महिलाओं की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए मैं इस काम में लगा हूँ। अपने अपने लिए जीना ये घाटे का काम है, समाज के लिए, सबके लिए, सबके कल्याण की बात सोच करके जो जीते हैं ना उनको परम शांति मिलती है और यही असली जीवन है। शिक्षा प्रदान करने की अपनी यात्रा की शुरुआत उन्होंने यमुनानगर जिले के दूरस्थ गांव देवधर में एक छोटे से स्कूल से की, जहां महिला शिक्षा को लेकर जागरूकता थी ही नहीं। 1984 में कन्या विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, 1987 में गुर्जर कन्या विद्या मंदिर के नाम से प्राथमिक विद्यालय शुरू किया जिसने आवासीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त की। 2015 में गुर्जर कन्या महाविद्यालय खोला और वहीं लड़कों के लिए बनाया गुरुकुल विद्यापीठ। मेरा नाम ब्रजेश कुमारी है, मैं देवघर से हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस विद्या मंदिर में 1987 में मैंने दाखिला लिया और वो एक ऐसा समय था जिस समय पर इस ग्रामीण अंचल में किसी भी तरह का शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। तो उस समय पर गुरुजी हमारे जीवन में एक आशा की किरण बनकर के आए। उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी प्रेरणा से यहाँ के ग्रामीण अंचल में बसे सभी ग्रामवासियों को प्रेरित किया कि वो नारी शिक्षा के लिए प्रयास करें, अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजें। तो उनकी प्रेरणा से ही हमारे माता पिता प्रेरित हुए और उन्होंने हमें इस विद्या मंदिर में दाखिला दिलवाया। गुरुजी इस इलाके में शायद ना आते तो हम लोग इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की ये बात है। और उनके प्रयासों से हमारा ये इलाका दूर दूर तक विख्यात भी हो गया है। हमारे विद्या मंदिर की छात्राएं शिक्षा के हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं और हमारा जो विद्यालय है वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरु जी का ये सपना एक वटवृक्ष की भांति फलता फूलता रहे और हमारे इस विद्या मंदिर का नाम संसार के कोने कोने में गूंजे। महिला शिक्षा और समाज सुधार की दिशा में किए गए बेमिसाल कार्यों के लिए ओम प्रकाश को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। समाज के प्रति उनके समर्पण और अभूतपूर्व योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर ओम प्रकाश गांधी को हार्दिक शुभकामनाएं।